नमस्कार दोस्तों मैं विकास मिश्रा अपने वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स आज हम बहुत इंपॉर्टेंट ई मॉडल पढ़ेंगे जो अक्सर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों अगर आपने डी के सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें जो कि आपको इसी प्ले में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के डियर आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ई मॉडल ई मॉडल होता क्या है द फुल नेम ऑफ यर मॉडल इज इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दिस इज ए हाई लेवल डाटा मॉडल इस मॉडल इज यूज टू डिफाइन डेटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर ए सिस्टम एयर मॉडल का पूरा नाम इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है एक हाई लेवल का डेटा मॉडल है इस मॉडल का यूज सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है इन अदर वर्स इन डी बी एम एस ईयर मॉडल इज ए डेटा मॉडल दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ़ द डेटा बेस विद देल्प ऑफ ए डायग्राम मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो डीबीएमएस में ईआर ER मॉडल एक डेटा मॉडल है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डायग्राम की हेल्प से डिस्क्राइब करता है थर्ड है ईआर मॉडल इज कॉल्ड ईआर डायग्राम बिकॉज इट प्रेजेंट्स द इंटिटीज इन फॉर्म ऑफ ए डाइग्राम एंड सोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटिटीज मतलब या ER मॉडल को ईयर डाइग्राम ER ER भी कहते हैं क्योंकि यह इंटिटीज़ को डायग्राम के रूप में डिस्क्राइब करता है और इंटिटीज़ के मध्य इंटिटीज के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय पीटर इन 1976 सेवेंटी यर मॉडल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ़ द रियल वर्ल्ड यह मॉडल इस मॉडल को उन्नीस में पीटर ने डेवलप किया था यर मॉडल का यूज़ रियल वर्ल्ड की कंसेपचुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट है आपका दिस मॉडल डिफाइंस द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटा बेस एंड इट डेवलप्स द कंसेप्चुअल डिजाइन फॉर द डेटाबेस मतलब यह मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है और डेटाबेस के लिए कंसेपचुअल डिजाइन को डेवलप करता है फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव हैव वी हैवी है डेटाबेस ऑफ ए स्कूल ओके इन दिस डेटाबेस स्टूडेंट इज एन एंटिटी एंड एड्रेस नेम आई डी एंड एज आर इट्स एट्रीब्यूट इट्स डाइग्राम इज गिवेन बिलो माना कि हमारे देखिए आप फिगर देखते रहना माना कि हमने एक स्कूल के डेटाबेस को डिज़ाइन किया है इस डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी है और एड्रेस नेम आईडी और एज इसके एट्रीब्यूट है नीचे इसका डायग्राम दिया गया है जो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट क्या हो गया इंटिटी हो गया एड्रेस आईडी एज और नेम क्या हो गया इसके एट्रीब्यूट हो गए नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल इंटिटी रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटिटी क्या होता है एन आई एंटिटी कैन बी एनी पर्सन प्लेस कार एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन ईआर डाइग्राम एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगल इंटिटी मस्ट यूनिक की मतलब एक इंटिटी कोई भी पर्सन प्लेस कार और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है या डायग्राम में एक को रेक्टेंगल के द्वारा दिखाया जाता है इंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट और एक यूनिक की अवश्य होनी चाहिए इसमें होता है कि इंटिटी सेट जिसकी हमें जरूरत पड़ती है तो एक क्या होता है एंड इंटिटी सेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटिटीज ऑफ द सेम टाइप द शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब एक इंटिटी सेट एक ही प्रकार के इंटिटीज का एक ग्रुप है जो समान प्रॉपर्टी शेयर करता है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टीचर क्लास एंड कोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंटिटीज इन द स्कूल डेटाबेस इफ ए स्टूडेंट इज एन एंटिटी देन द डेटा डेटा सेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर कॉल्ड इंटिटी सेट मतलब डियर एक स्कूल डेटाबेस में एक स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट टीचर क्लास और कोर्स को इंटिटी माना जा सकता है यदि एक स्टूडेंट एक इंटिटी है तो सभी स्टूडेंट्स के डेटा सेट्स को इंटिटी सेट करते हैं देखिए इट हैज बोथ स्टूडेंट एंड कोर्स इंटिटी इसमें स्टूडेंट और कोर्स दोनों क्या है दोनों इंटिटी है स्टूडेंट एंड कोर्स ठीक है नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंटिटी इंटिटीज के टाइप्स देखते हैं तो इसके टू टाइप्स होते हैं वीक इंटिटी एंड स्ट्रोंग इंटिटी बस तो वीक इंटिटी क्या होता है द इंटिटी विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द एनोदर इंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी इट इज डिस्प्लेड बाय ए डबल रेक्टेंगल वीक एंटिटी कैन नॉट बी यूनिक आइडेंटिफाइड बाय द बाय इट्स एट्रीब्यूट वह इंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर निर्भर होती है उसे वीक इंटिटी कहते हैं इसे डबल रेक्टेंगल के द्वारा दिखाया जाता है वीक एंटिटी को उसके एट्रीब्यूट के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है दूसरा है स्ट्रांग एंटिटी क्या होता है विच हैज प्राइमरी की इस कार्ड स्ट्रांग एंटिटी मतलब स्ट्रांग इंटिटी कैन भी यूनिक आइडेंटिफाइड थ्रू इट्स एट्रीब्यूट एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है स्ट्रांग एंटिटी कहलाती है और स्ट्रांग एंटिटी को उसके के द्वारा यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहां से आपका स्टार्ट होता है रिलेशनशिप क्या होता है रिलेशनशिप इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई डायमंड मतलब रिलेशनशिप का यूज यूजेंटिटीज के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है इसको डायमंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मतलब दिखाया जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इट इज ऑफ फोर टाइप्स इसके फोर टाइप्स होते हैं वन टू वन सेकेंड वन टू मैनी थर्ड माइनी टू वन फोर्थ माइनी टू माइनी सबसे पहले हम पढ़ते हैं वन टू वन रिलेशनशिप वन टू वन अच्छा वन टू वन को आप वन रेशियो वन भी लिख सकते हैं तो वेन आस इंस्टाइंस ऑफ एन एंटिटी ए इज एसोसिएटेड विद एन इंस्टांस ऑफ एंटिटी बी सो इट इज कार्ड वन टू वन रिलेशनशिप जब इंटिटी ए का इंटिटी बी के के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसे वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ए मेल कैन मैरी वनली वन फीमेल एंड फीमेल कैन मैरी वनली वन मेल सो वी विल कॉल इट वन टू वन उदाहरण के लिए एक मेल सिर्फ एक फीमेल से शादी कर सकता है और एक फीमेल केवल एक मेल से शादी कर सकती है तो इसे हम वन टू वन कहेंगे देखिए मेल और फीमेल इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है मैरिड 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 टू मेल टू फीमेल फीमेल टू मेल वन टू वन रिलेशनशिप नेक्स्ट पढ़ते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है इसको हम वन रेशियो एम बोल सकते हैं दिस रिलेशनशिप अकर्स वेन एन इंस्टांस ऑफेंटिटी इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल इंस्टांस ऑफ एन इन टी बी मतलब ये रिलेशनशिप तब होती है जब इंटीटी ए का इंस्टांस एनटीटी बी के बहुत सारे इंस्टांस के साथ जुड़ा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय वर्कस इन डिपार्टमेंट्स ए डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में कार्य करता है एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में कार्य करता है और एक डिपार्टमेंट के पास कई एम्प्लॉय हो सकते हैं देखिए यहाँ पे इम्प्लॉ डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है वर्क्स वन टू मैनी फिगर देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप मैनी टू वन रिलेशनशिप क्या होता है दिस रिलेशनशिप अगर मल्टीपल इंस्टांस ऑफ एन इंटिटी ए आर ज्वाइन टू वनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी बी मतलब यह रिलेशनशिप तब होती है जब इंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस इंटिटी बी के बी केवल इंस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल इन द रियल वर्ल्ड ए स्टूडेंट कैन स्टडी इन वन कॉलेज एंड कै नाट स्टडी इन एन उदर कॉलेज वेयर इज मैनी स्टूडेंट स्टडी इन अलेज सो वी विल कॉल इट मैनी टू वन रियल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकता है डियर एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज में तो पढ़ेगा एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकता है और वह एक साथ किसी दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है जबकि एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो इसे हम मैनी टू वन बोल सकते हैं देखिए स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में रिलेशन क्या है स्टडी स्टूडेंट कॉलेज में क्या करता है पढ़ने जाता है स्टडी करने मैनी टू वन फिगर देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैनी टू वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो कि लास्ट है आपका दिस रिलेशनशिप अगर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ए आर ज्वाइन टू मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी मतलब ये रिलेशनशिप तब होती है जब इंटीटी ए के बहुत सारे इंस्टांस इंटीटी बी के बहुत सारे इंस्टांस के साथ जुड़ा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल मैनी एम्प्लॉज कैन वर्क इन मैनी मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट में कार्य कर सकते हैं इंप्लॉय असाइन एंड प्रोजेक्ट असाइन एंड प्रोजेक्ट मैनी टू मैनी एम रेशियो एम दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ आ, कुछ ईआर डाइग्राम बनाना सीखेंगे और पढ़ेंगे मैपिंग क्या होता है तो ठीक है जय हिंद दोस्तों